बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, जो कि उनके स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया था बच्चों, ये जानने के लिए कि पोजीशन क्या है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर। और वो ये जानना चाहते थे कि जो थॉमसन ने बताया है, जे जे थॉमसन ने, कि एटम के अंदर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है, क्या वो बात सही है या नहीं। तो उन्होंने इस बात को जानने के लिए अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया गोल्ड फॉयल पे बच्चों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस होता है। और अगर एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म है बच्चों, अगर जे जे थॉमसन वाली बात सही है, तो अल्फा पार्टिकल को, जितने भी अल्फा पार्टिकल हैं, उनको बराबर डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, अगर वो बराबर डिफ्लेक्शन दिखाते हैं, तो इसका मतलब जे जे थॉमसन की बात सही है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो रियल में हुआ था बच्चों, वो क्या था, जो रियलिटी उन्होंने ऑब्जर्व की, कि अल्फा पार्टिकल्स जो है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट, वो बिल्कुल सीधा निकल गए बच्चों, और नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शन रहा मोस्ट ऑफ पार्टिकल के लिए। और ये पार्टिकल को वो कैसे ऑब्जर्व कर रहे थे, बाय यूजिंग ए फॉस्फोरिसेंट मटेरियल सर्कुलर स्क्रीन, ZNS स्क्रीन, क्योंकि वहाँ पर जब पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं बच्चों, तो सिंटिलेशन यानी फ्लैश लाइट जो है ऑब्जर्व होती थी। तो उन्होंने देखा मोस्ट ऑफ पार्टिकल जो है वो बच्चों क्या कर रहे थे, सीधे जा रहे थे, और बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जिनको डिफ्लेक्शन जो है थोड़ा ज़्यादा मिला, और बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जिनको डिफ्लेक्शन 90 डिग्री से ज़्यादा मिला, लगभग 1 out of 20,000 डिफ्लेक्टेड मोर देन 90 डिग्री एंगल बच्चों। तो अब जो बात जे जे थॉमसन की थी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, वो बात गलत साबित हुई बच्चों। ठीक है, अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या थी, ऑब्जर्वेशन क्या थी बच्चों, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल अबाउट 99% पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। ठीक है बच्चों, बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, ए वेरी फ्यू पार्टिकल शोड डिफ्लेक्शन मोर देन 90 डिग्री, ए वेरी फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्शन मोर देन 90 डिग्री, 1 out of 20,000। बच्चों अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने गोल्ड फॉयल को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि गोल्ड फॉयल जो है बच्चों, उसको जो गोल्ड मेटल है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल मेटल है बच्चों, उसको बहुत ज़्यादा थिन किया जा सकता है, यहाँ तक कि एटम की थिकनेस तक उसको ले जाया जा सकता है। क्योंकि हमारे को तो एटम के अंदर की बात पता करनी थी रदरफोर्ड ने, इसलिए गोल्ड फॉयल। और दूसरा, गोल्ड जो है वो एक लेस रिएक्टिव मेटल भी है बच्चों, वो कोरोजन वगैरह नहीं होता है उसको, और इसका जो मास होता है वो भी ज़्यादा होता है बच्चों। इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंपेरेटिवली दूसरे एटम से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसका जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ताकि डिफ्लेक्शन को इजीली ऑब्जर्व किया जा सके, अल्फा पार्टिकल को जो डिफ्लेक्शन हो वो उसको इजीली ऑब्जर्व कर सके, इसलिए गोल्ड को यूज़ किया गया था बच्चों। अल्फा पार्टिकल क्यों यूज़ किए गए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के बारे में रदरफोर्ड को पूरा आइडिया था, क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी पे भी काम कर चुके थे। ठीक है, तो ये तो थी उनकी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन थी, और कंक्लूजन क्या निकाला बच्चों, अब आप ये आइडिया लगाइए कि जब ज़्यादातर पार्टिकल सीधे चले गए हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो हैं सीधे चले गए हैं, इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी, ज़्यादातर स्पेस क्या है, एम्प्टी है बच्चों। और जो पॉजिटिव चार्ज जो कि है, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो हुआ ही है बच्चों, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम में है, बहुत ही कम स्पेस के अंदर है, एटम के अंदर। ठीक है, इस बात को आपको नोट करना है कि कॉन्क्लूजन उनके क्या थे बच्चों। ठीक है, कॉन्क्लूजन क्या थे बच्चों, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसनट्रेटेड ओनली ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम। अब बच्चों इस बेस पे इन्होंने क्या मॉडल दिया एटम का, वो अब हम देखते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था बच्चों, फिर न्यूक्लियर जो मॉडल था वो क्या था, कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वाज कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। और बच्चों रदरफोर्ड ने उस पॉजिटिव चार्ज रीजन को, जो कि बहुत स्मॉल वॉल्यूम का था, उसे क्या बोला, न्यूक्लियस। और बाकी रिमेनिंग पोर्शन को क्या बोला गया एटम के,
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया एटम को, और उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद ए वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों ने क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉनों के कारण डिफ्लेक्शन हुआ या अट्रैक्शन हुई अल्फा पार्टिकल को, तो आप को मैं बता दूं इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एक अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में लगभग 7-7.5 हज़ार गुना कम है बच्चों। ये हाथी के सामने एक चींटी के समान है, तो इससे कोई डिफ्लेक्शन जो है अल्फा पार्टिकल को फील नहीं हुई, ना वो उसको रोक पाए बच्चों। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद ए वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। अब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हैव सर्टेन सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। बच्चों अब सर्कुलर कोई चीज़ मूव करेगी तो उस पर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स काम करेगी जो उसको बाहर ले जाना चाहेगी, लेकिन उस फोर्स को बैलेंस किसने किया बच्चों, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है ये सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कर रही थी, जो किसको बैलेंस कर रही थी, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को। इसलिए इस बेस पे वो कहना चाहते थे कि एटम स्टेबल है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हैव सर्टेन सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस विच इज बैलेंस बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, इस मॉडल को आप ये कह सकते हैं ये सोलर सिस्टम के कंपेरेबल उन्होंने बताया, वेयर न्यूक्लियस इज लाइक सन एंड इलेक्ट्रॉन मे बी कंपेयर टू प्लैनेट्स। ठीक है, जैसे सन को तो न्यूक्लियस की कंपेयर माना गया उन्होंने, और इलेक्ट्रॉन को किसके इक्वल कंसिडर किया, प्लैनेट्स के। हालांकि मैं आपको बता दूं बच्चों उन पे कोई चार्ज नहीं होता ओवरऑल, यहाँ चार्ज बॉडी के लिए उन्होंने सोलर सिस्टम से कंपेयर कर दिया बच्चों, जो कि गलत था। ठीक है, अब लिमिटेशन की बात करें, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब स्टेबिलिटी ऑफ एटम इन्होंने अपने हिसाब से तो बोल दिया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी थी, क्लासिकल जो थ्योरी थी, उन्होंने ये बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अलोंग एक्सेलरेटेड मोशन शो करता है तो वो कंटिन्यूस एनर्जी लॉस करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एनर्जी लॉस करके न्यूक्लियस में फॉल हो रहा है जिसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगना चाहिए। तो रदरफोर्ड के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था बच्चों। ठीक है, तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ वेरियस एलिमेंट। जो कलर्ड लाइन थी बच्चों, स्पेक्ट्रा था वेरियस एलिमेंट्स का, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे बच्चों स्पेक्ट्रा के बारे में, तो ये भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन एनर्जी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। बच्चों ना ही ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और कितनी एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन के पास होगी, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये कुछ कमियाँ थी इस मॉडल की। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी इस मॉडल की जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट थी बच्चों, जिसने ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली ना होकर एटम में बल्कि एक छोटे से रीजन में सेंटर में लोकेटेड है बच्चों। अगर आप कंपेयर करें ना रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को, तो मैं आपको बता दूं कि एटम की जो रेडियस है वो न्यूक्लियस की रेडियस का 10^5 टाइम है बच्चों। ठीक है, और वॉल्यूम तो 10^15 टाइम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, अगर आप ये कंपेयर करें एक फुटबॉल के मैदान में, सेंटर में एक क्रिकेट बॉल रखी है, तो वो फुटबॉल का मैदान आपका एटम के कंपेरेबल है और वो जो क्रिकेट बॉल है वो न्यूक्लियस के कंपेरेबल है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं आपके न्यूक्लियस कितना छोटा है, कितना कम स्पेस है उसके पास। ठीक है, तो ये बात आपको आनी चाहिए। और ये मॉडल एक्सपेरिमेंट क्या था, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसने क्या कंक्लूजन निकाला, फिर क्या मॉडल दिया, और लास्ट में लिमिटेशन क्या थी बच्चों, इसके बारे में आपको जो है डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ये आपके लिए कोई नया टॉपिक भी नहीं है, आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है,
अब हम आगे अप्रोच करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के अंदर। आज के लिए इतना ही।